डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन को पढ़ने के पश्चात एक नई अवधारणा जो है अभी रिसेंट में चल रही है उसको कहते हैं नव लोक प्रबंध, NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह अवधारणा लोक प्रशासन की, मतलब जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई अवधारणा है, यानी इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट के जो स्किल हैं या जो गुण हैं उसको क्या है, लोक प्रशासन में क्या है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो कहने का भाव ये क्या है, ये लोक प्रशासन का ये क्या है, प्रबंधोन्मुख चेहरा है। और यह क्या है, 1990 के पश्चात क्या है, यह इसका अस्तित्व में आया, ये जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था LPG का, वैश्वीकरण के दौर में। और इसमें दो शब्द हैं, एक तो लोक शब्द है, ठीक है ना, जो यह बताता है कि यह सरकारी प्रशासन से संबंधित है, और इसके अलावा नव और प्रबंध शब्द हैं जो इसको क्या है, विशिष्टता प्रदान करते हैं। एक तो नया है ये, और दूसरा क्या है, इसमें मैनेजमेंट की जो विशेषताएं हैं उनको क्या है, जोड़ा गया है। और इसी वजह से क्या है, ये परंपरागत लोक प्रशासन से क्या है, अलग है। इसमें प्रशासन के स्थान पर क्या है, प्रबंध शब्द का प्रयोग हुआ है। और यह क्या है, फिर सरकारी कार्य जो हैं उसमें क्या है, पेशेवरता, मतलब एक यूँ एक्सपर्टनेस जो है वो लाने के लिए क्या है, ये प्रयास करता है। जबकि नया लोक प्रशासन जो था, जबकि इसमें नव जो शब्द है, नया शब्द जो है वो क्या है, एक नवीन दिशा की ओर क्या है, इसको ले जाने का प्रयास करता है। और अंततः यह, मतलब जो नई सामाजिक मांगे हैं, नई टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज हो रहे हैं और जो नई हमारी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार क्या है, ये काम करने का प्रयास करता है। तो बदलती हुई परिस्थितियों में लोक प्रशासन की एक ये जो नई अवधारणा है उसको हम क्या कहते हैं, नवीन लोक प्रबंध कहते हैं। और इसको क्या है, अलग अलग चिंतकों ने क्या है, अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे क्रिबियल जो हैं वो इसको क्या है, उद्यमी शासन कहते हैं या व्यवसायी शासन कहते हैं। बार्जले इसको क्या कहते हैं, उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, यानी नौकरशाही के बाद की अवधारणा, यानी नौकरशाही में जो दोष थे वो दोष क्या है, इसमें नहीं पाए जाते या उन दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और पॉलित इसको क्या कहते हैं, प्रबंधवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक नई अवधारणा है। ये जो अवधारणा है वास्तव में स्टेट और मार्केट, मतलब बाजार से काम कराया जाए या राज्य से काम कराया जाए, बाजार का मतलब निजी कंपनियां जो हैं, निजी क्षेत्र जो हैं उनसे क्या है, जनता की सेवा करवाई जाए या जनता के काम कराए जाए या राज्य से सरकार स्वयं करे, तो ये चर्चा जो है इसको कहते हैं राज्य बनाम बाजार चर्चा। और उसमें यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का ये जो दौर है उसके अनुसार क्या हो रहा है, राज्य की जो स्वरूप है या राज्य की जो भूमिका है उसमें क्या है, बदलाव आ रहा है। और इसलिए क्या है, प्रशासन का स्वरूप और कार्य जो है उन दोनों को क्या है, पुनर्निर्धारित करना क्या है, जरूरी है। यह जो नया सरकारी प्रशासन है यह कैसा हो, यह स्पष्ट करता है नवीन लोक प्रबंध। मतलब चेंजेज आ रहे हैं LPG के द्वारा राज्य के स्वरूप में, सरकारों के स्वरूप में, उनकी भूमिका में, तो जो नई भूमिकाएं हैं, जो नए परिवर्तन हैं उनको क्या हैंडल करने के लिए क्या है कि जो नई अवधारणा है उसको क्या कहते हैं, नवीन लोक प्रबंध। यह क्या है, संपूर्ण परिदृश्य में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुकूल एक और नए लोक प्रशासन की सैद्धांतिक अवधारणा है। इस लिहाज से नवीन लोक प्रशासन के बाद क्या है, नवीन लोक प्रबंध जो है
वो लोक प्रशासन में क्या है, दूसरा सुधारवादी आंदोलन मान जाता है। एक तो क्या है, नव लोक प्रशासन हम लोगों ने बढ़ा, क्योंकि अमेरिका में क्या है ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि ज़्यादातर इसकी शोध और उत्पत्ति जो है अमेरिका से ही है, तो अमेरिका में क्या है जो जनता की समस्याएं थी या ऐसे कुछ मांगे थी, तो वो क्या है प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उसके क्या प्रशासन के होने पर क्या सवाल होने लगे, क्या मतलब है इसका, तो उसने क्या है अपने क्या है स्वरूप में क्या है बदलाव लिया। तो उससे क्या है कि नहीं अवधारणा तो नहीं, उसको क्या कहते हैं नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। तो एक तो वो सुधारवादी आंदोलन था, दूसरा सुधारवादी आंदोलन जो है वो ये माना जाता है नवीन लोक प्रबंध। नवीन लोक प्रबंध जो दृष्टिकोण है वो राज्य और प्रशासन को क्या एक ही मानता है, और प्रशासन को राजनीति का ही एक अंतर्भूत तत्व मानता है, और वांछित परिवर्तन जो हैं उनको क्या है राज्य और प्रशासन के संयुक्त परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करता है। यानी राज्यों के साथ साथ राज्य में भी चेंजेस होने जरूरी हैं और सरकार में अर्थात प्रशासन में भी होने जरूरी हैं। नवीन लोक प्रबंध का जोर संपूर्ण राज्य या सरकार में क्या है उसको बाजारी उन्मुख करने का है। यानी राज्य या जो सरकार है उसको क्या है बाजार की शक्तियों के अधीन करने का है या बाजारीकरण करने का है। यह सरकार अर्थात राज्य प्रशासन को अलग अलग नहीं मानता और न ही देखता है। यही कारण है कि नवीन लोक प्रबंध को नए किस्म का लोक प्रशासन मानते हुए भी व्यवसायी सरकार जैसी व्यापक संज्ञा दी गई है। इसलिए परिवर्तन का जो क्षेत्र है नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक क्या है इसमें विस्तृत है। राज्य के स्थान पर बाजार को यह समाज और अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक की भूमिका प्रदान करता है। वह राज्य को नीति निर्माता, सुविधा प्रदान करने वाला, सूचना देने वाला और विभिन्न गतिविधियों के समन्वयकर्ता का रोल देता है, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है अपितु तीव्र वैश्विक परिवर्तनों के इस दौर में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये सब कार्य वितरण की प्रकृति नियामक प्रकृति है, न कि क्या है निष्पादन प्रकृति है। अर्थात नवीन लोक प्रबंध यह कहता है कि सरकार को क्या है डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कार्य के वितरण संबंधी कार्य करने चाहिए, नियामक संबंधी कार्य करने चाहिए, न कि निष्पादन संबंधी कार्य। एग्जीक्यूशन जो है वो क्या है बाजार को दे दो, यानी निजी क्षेत्र को दे दो। सरकार क्या है केवल काम बताए कि क्या करना है और उस पर क्या है निगरानी रखे, कैसे करना है ये क्या है निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। अब हम देख भी रहे हैं ज़्यादातर निष्पादन जो है वो बाजार के हाथ में आ गया है, अर्थात निजी क्षेत्र जो है हर क्षेत्र में हमें आपको देखने को मिलेगा। आज आप मोबाइल यूज करते हो, पहले एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी BSNL, आज आपके पास अनेक ऑप्शन हैं, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, तो ये सारे जो हैं ये क्या है निजी क्षेत्र हैं, निजी कंपनियाँ हैं, तो वो क्या है सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ऑसबर्न और गैबलर जो हैं इनका इसमें क्या है बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान है नवीन लोक प्रबंध में। उन्होंने कहा था कि हमें और अधिक सरकारें नहीं चाहिए अभी, तो एक क्या है बेहतर सरकार की ज़रूरत है, और शॉर्ट में हम कहें तो एक बेहतर शासन की ज़रूरत है। शासन ऐसा कार्य है जो सामूहिक रूप से हमारी समस्या का समाधान करता है। सरकार हमारे द्वारा प्रयुक्त एक उपकरण पर है, यह उपकरण क्या है अब अप्रासंगिक हो गया है और इसे नया रूप देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो शासन और सरकार दो शब्द आ रहे हैं बार बार। सरकार तो है गवर्नमेंट, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है वो क्या है गवर्नमेंट, और एक आता है शासन यानी गवर्नेंस। सरकार के अंदर तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये तीन अंग हो जाते हैं। अब उसके अलावा जो हैं जिसमें निजी क्षेत्र है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या और भी बहुत सारे अन्य जो संगठन हैं जो क्या है सरकार के द्वारा नहीं बनाए जाते, वो क्या है अपने आप ही क्या है आवश्यकता के अनुसार बनते हैं, ये भी क्या है समाज कल्याण के कार्य करते हैं, जनता के उत्थान के कार्य करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, नीति निर्माण में आवश्यक जानकारी और तथ्य उपलब्ध करवाते हैं। तो अब क्या है मतलब
मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा क्या है चल रही है, यानी कम से कम जो सरकार है वो कार्य करे और ज़्यादा से ज़्यादा शासन किया जाए, तो ये जो चीज़ है यही क्या है नवीन लोक प्रबंध की अवधारणा में आता है। 1992 में क्या है, ऑसबर्न और गैबलर ने क्या है किताब भी लिखी थी जिसको कहते हैं, जिसका नाम है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। और ये जो पुस्तक है इसको क्या है बड़ा ही, जो नौकरशाही के विरोधी थे उन्होंने क्या है बड़ा ही इसको सराहा और उसको क्या खूब प्रचार किया, और यही क्या है नवीन लोक प्रबंध की क्या है फिर बाइबल बन गई थी। और इसी के बेस पर क्या है ये जो नई विचारधारा है लोक प्रशासन की, ये क्या है पुष्पित और पल्लवित हुई। इसके पश्चात हम जो नव लोक प्रबंध है उसकी विशेषताओं को देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके आधार पर क्या है इसको हम अच्छा सा समझ सकते हैं। पहली जो है वो है प्रतिस्पर्धी सरकार, यानी ये अब ये जो बिंदु हैं ये हमारे को ये बताने का प्रयास करेंगे कि नवीन लोक प्रबंध की जो अवधारणा है वो जो शासन है शासन किस ढंग से होना चाहिए उसके बारे में ये कुछ बताता है कि इस प्रकार का यदि शासन है सरकार है तो वो क्या है नवीन लोक प्रबंध पर आधारित है, अर्थात ये गुण हैं ये विशेषताएं हैं ये पहचान है नवीन लोक प्रबंध की। कंपिटिटिव गवर्नमेंट पहला है प्रतिस्पर्धी सरकार, इसका मतलब क्या है कि व्यवसायी सरकार जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के जो विभिन्न प्रदाता हैं, यानी जो भी हम वस्तुएं खरीद रहे हैं जो सेवाएं हम ले रहे हैं जिन कंपनियों से या जिन माध्यमों से या जिन संगठनों से, उसमें क्या है प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या है कार्यकुशलता और मितव्ययता जो है यानी एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी जो है उसको क्या है बढ़ावा मिलेगा। और इसका फायदा क्या होगा लागत में क्या हो जाएगा कमी आ जाएगी और जो निष्पादन है क्रियान्वयन जो है उसमें क्या है वृद्धि हो जाएगी। आप जैसा जानते हैं कि कंपटीशन होने पर क्या है रेट में कटौती हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो लागत में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, जनता को फायदा होगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ाएंगे वो सेवाएं उन्नत करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे अभी आप देखते हैं कि BSNL एक पहले एकमात्र था ठीक है ना दूरसंचार सेवाई कंपनी, उसके बाद में क्या हुआ एयरटेल वोडाफोन रिलायंस जियो वगैरह ये सब आए, तो इससे क्या हुआ BSNL के साथ कंपटीशन हो गया। तो आखिर में क्या हुआ कि जिसने बढ़िया सेवाएं दी कम कीमत पर सेवाएं दी अच्छी सेवाएं दी उसको की तरफ क्या लोग आकृष्ट हो गए। तो आज हम देखते हैं कि BSNL के क्या है उपभोक्ता कम है और अन्य कंपनियों के उपभोक्ता ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती है प्रतिस्पर्धी सरकार, यानी सरकार जो है सेवाएं देने वाले वस्तुओं को देने वाले जो भी संगठन या जो एजेंसियां हैं उनके बीच में क्या है कंपटीशन होना चाहिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी सरकार के जो पुराने अंग या एजेंसियां थी उनको क्या है प्राइवेट सेक्टर के बराबर ला के खड़ा कर दिया है कंपटीशन में। दूसरा जो विशेषता है इसकी है वो है सामुदायिक सशक्तिकरण। इसका मतलब ये है कि नौकरशाही जो है उसके नियंत्रण की शक्ति को क्या है घटाया जाए और उसके स्थान पर क्या है नागरिक हैं परिवार है समाज है जो भी कम्युनिटी है उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए शक्तिशाली किया जाए ताकि वे अपनी समस्याओं का क्या है समाधान खोज सके और उनको क्या है लागू कर सके। तो कहने का भाव ये है जनता की जागरूकता जनता का सशक्तिकरण जो है वो क्या है नौकरशाही की जो तानाशाही है जो निरंकुशता है वो क्या है उसको क्या है कमज़ोर करेगा। तो सामुदायिक सशक्तिकरण है वो क्या है आवश्यक है। तीसरी जो विशेषता होती है परिणामोन्मुख रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार जो है अपने संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन जो है वो निवेश के आधार पर करती है।
नवीन लोक प्रबंध कहता है कि आपको क्या है, इनपुट्स कितने दिए, निवेश कितना किया, इसके आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि रिजल्ट कैसे रहा इसके आधार पर करना चाहिए। अतः लक्ष्य निर्देशित जो प्रयास हैं उनको क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। जिन्होंने क्या है टारगेट ओरिएंटेड काम किया है, जो टारगेट दिया था, लक्ष्य दिए थे, उसको अचीव किया है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सरकारी एजेंसियां जो हैं उनको क्या है, उनका मूल्यांकन जो है वो क्या है, रिजल्ट के बेस पे करना चाहिए, न कि इनपुट के बेस पे। इस पहले क्या है, इनपुट के बेस पर क्या है मूल्यांकन किया जाता था कि कितना बजट खर्च किया। अब बजट खर्च करने के पश्चात जो रिजल्ट मिला वो कितना रहा वो देखना ज़रूरी है। तो इनपुट के बेस पर नहीं होना चाहिए, जबकि उसकी आउटपुट कितनी रही है ये देखना चाहिए। अगली जो विशेषता आती है वो है लक्ष्योन्मुख सरकार। इसमें क्या है, कायदे कानून जो हैं उसके स्थान पर क्या है, जो लक्ष्य हैं, टारगेट जो हैं, उस पर क्या है ध्यान देना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। कहने का भाव ये है कि साधन की अपेक्षा साध्य, उस पर क्या है सरकार का ध्यान होना चाहिए। नवीन लोक प्रबंध ये चाहता है। अगली जो विशेषता है, उपभोक्ता चालित सरकार। नवीन लोक प्रबंध में जो हितग्राही हैं, जिनके जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी वर्ग जो हैं, उसको वो क्या है उपभोक्ता मानता है, यानी वो कस्टमर हैं। जैसे एक दुकान पर आप जाते हो, मान लीजिए आप रेडीमेड कपड़े की दुकान पर गए हो, आपको जीन्स लेनी है या टी शर्ट लेनी है, तो वो कस्टमर को क्या है बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ बात करता है, उसको सही तरीके से जो भी जानकारी लेना चाहता है उसको सेटिस्फाई करता है, प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई करता है, एक से अधिक प्रोडक्ट दिखाता है, उसको कई प्रकार के ऑप्शंस देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है उसको कस्टमर मान के करता है, वो उपभोक्ता मान के करता है। तो नवीन लोक प्रबंध भी ये चाहता है कि जो नागरिक है, जो लाभार्थी है, उसको भी क्या है मतलब उपभोक्ता मानकर चले, उसको विकल्प दें, जिससे क्या है वो विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है उसको क्या है वो चूज कर सके। तो नवीन लोक प्रबंध यह चाहता है। अगला है समस्या के कारणों की समाप्ति। नवीन लोक प्रबंध जो है वो समस्या उत्पन्न होने पर उसके निदान की प्रवृत्ति को त्याग कर उसको उत्पन्न होने वाले जो कारण हैं उसको रोकने का प्रयास करता है। यानी समस्या के हल की अपेक्षा समस्या को पैदा ही मत होने दो, ऐसी स्थितियां पैदा करो जिससे क्या है समस्या उत्पन्न ही ना हो। यानी जिन कारणों से समस्या हुई है उन कारणों को उत्पन्न मत होने दो, कारणों को समाप्त कर दो। तो ये ऐसा क्या है चाहता है। अगली जो विशेषता है वो है व्यावसायिकता। यानी इसमें कहता है कि अपनी शक्ति जो है वो धन व्यय करने में नहीं, बल्कि इसको क्या है धन कमाने में लगानी चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म बनना चाहिए उसका। यानी वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। अगला जो विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण आधारित, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट है ये। अर्थात यह क्या है सहभागी जो प्रबंध है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है, यानी जनता है उसको क्या सहभागी बनाया जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या है जो उसके काम करने वाले हैं उनको भी क्या है पॉलिसी मेकिंग में, नियमों के निर्माण में क्या है उनको शामिल किया जाए। तो उससे क्या होगा कि जो निचले लेवल के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको भी पता चलेगा कि हम भी मतलब यहाँ काम करते हैं, उनको पावर डिसेंट्रलाइज की करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि संगठन जो है वो ज़्यादा कुशलता से काम कर पाएगा। अगली जो विशेषता है वो है बाजार उन्मुखता। यानी नौकरशाही मूलक जो प्रशासन है, यानी जिसमें जो नौकरशाही रूपी विशेषताएं हैं उसके स्थान पर क्या है ये बाजार जैसा तंत्र को क्या है पसंद करता है। उसमें बाजार तंत्र में क्या जैसे फास्ट काम होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है और कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच जो होती है और उनमें क्या है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं
वो क्या है, मतलब सरकार की कामकाज की शैली में आनी चाहिए, यानी बाजार की जैसे शैली है काम करने की, वैसी शैली क्या है जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनमें भी ऐसी आनी चाहिए। जो परंपरागत नौकरशाही की जो टेंडेंसी है उसको क्या है, त्यागना होगा। अगला है उत्प्रेरणकर्ता। मात्र सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सामुदायिक समस्याओं के निदान के लिए क्या है, सार्वजनिक निजी जो स्वयंसेवी संगठन हैं उनको भी क्या है मोटिवेट करना चाहिए, कि वो भी क्या है लोगों की जो समस्याएं हैं, समुदाय की जो समस्याएं हैं उन पर क्या है ध्यान दे, उनको दूर करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ये जो विशेषताएं हैं ये प्रत्येक व्यवसायी जो सरकार है, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट जो हैं उसकी के लिए, उसके लिए क्या एक आदर्श है। भले ही उनमें से अनेक को प्राप्त करना या पूरी मात्रा में स्वीकार करना कठिन भी होता है। वर्ल्ड में हम देखें तो ब्रिटेन में मार्गरेट थेचर और न्यूजीलैंड में रॉजर नॉमिक्स जो हैं उन्होंने क्या है नवीन लोक प्रबंध को लागू करने के प्रयास किए थे 1980 और 90 के दशक में, और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन जो हैं उन्होंने भी क्या इसको अपनाने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से क्या है ये नवीन लोक प्रबंध की विशेषताएं हैं। इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।